अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा बलिया के तत्वाधान में बेलथरा रोड तहसील पर विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। ज्ञात हो कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन शैक्षणिक सांस्कृतिक रीति रिवाज को अक्षुण बनाए रखने हेतु 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की थी। वर्तमान की भाजपा सरकार के विरुद्ध वक्ताओं ने कहा, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये सरकार अंग्रेजों से भी बदतर है। शिक्षा के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों पर भी डाका डाल रही है, नौकरियां छीन रही है। सरकार के पास जनजातियों के लिए कोई योजना नहीं है। समाजवादी सरकार ने गोंड आदिवासियों की बच्चियों की शिक्षा के लिए साइकिल निःशुल्क वितरण की जाती थी तथा आर्थिक सहायता भी मिलती थी। सारी योजनाएं बंद है, आक्रोश व्यक्त किया गया। इस अवसर पर अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा के जिला अध्यक्ष आनंद शंकर गौड़, पूर्व अध्यक्ष गुलाब गौड़, ब्रिजेश गौड़, तहसील अध्यक्ष सदर गोविंद गौड़, बेलथरा रोड तहसील अध्यक्ष श्रीकांत गौड़, अनिल गौड़, कार्यालय प्रभारी राम केवल गौड़, प्रदेश मंत्री दिलीप गौड़, तहसील उपाध्यक्ष दिलीप गौड़, गिरिजा शंकर गौड़, समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर शोएबुल इस्लाम सहित सैकड़ों गौड़ समाज के लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक पत्रक भी उपजिलाधिकारी बेलथरा रोड के माध्यम से भेजा गया।